प्रदेश के सभी गौरव सेनानियों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सत्येंद्र मांजू। साथियों, सबसे पहले आप सभी को, आपने हमारा गौरव सेनानी जागरूक यात्रा में तन मन से साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। साथियों, ये यात्रा हमारे सैनिक हकों और अधिकारों के प्रति जागरूक करने को लेकर थी। साथ ही आए दिन हमारे साथ हो रहे अमानवीय घटनाएं, चाहे वो किसी के साथ भी हो, सेवारत हो या सेवानिवृत्त सैनिक के साथ हो, वीरांगना बहनों के साथ हो, वीर माता पिता के साथ हो या अन्य परिवारजनों के साथ हो, उनके साथ आए दिन घटनाएं हो रही हैं, चाहे प्रशासन के द्वारा हो, चाहे पड़ोसियों के द्वारा हो, चाहे समाज के द्वारा हो, उस घटना को रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए। सब ने एक सुर में, एक ही आवाज़ में बोला कि हम एक मंच में आना चाहिए, चाहे हमारी विचारधारा कुछ भी हो, हमारा कोई भी संगठन हो, लेकिन ऐसी घटनाएं होंगी तो हम एक मंच पर आएंगे। हमें पूरी राजस्थान से, जो कि कर्नल किरोड़ी लाल भैंसला साहब की भूमि भी कहा जाता है, वीर भूमि कहा जाता है, उनके मार्गदर्शन में चलते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उन पूरे सैनिकों ने विश्वास दिलाया है कि हम पहले, हम हमारे जो भी साथी यहाँ पर आज मौजूद नहीं है सभा में, उनके पास जाएंगे, पहले छोटी छोटी पंचायत करेंगे, फिर महापंचायत करेंगे, जरूरत पड़ी तो महापंचायत में नवरत्न टीम को बुलाएंगे और फिर से हम आगाज करेंगे कि हम जिंदा हैं, हम हमारे हक अधिकारों को पहचानने लगे हैं, ये सरकारें सुन ले कान खोल कर कि हमारे अधिकार हम छीन के वापस रहेंगे, हमारे अधिकारों को ऐसा नहीं काट सकते। तो मैं पूरे प्रदेश के सैनिकों से निवेदन करता हूँ कि आप भी, चाहे दो घंटे, चाहे चार घंटे, चाहे वीक में दो दिन, तीन दिन या एक दिन भी निकालिए, सैनिक समाज के लिए निकालिए, क्योंकि हमारा जो सैनिकों का समाज है वो ऐसा समाज है कि उसमें सब जाति सब धर्म के लोग हैं। हमारा एक ही जाति एक ही धर्म है, वो है राष्ट्रवाद। हम राष्ट्रवाद के लिए जीते हैं तो हमें सैनिक समाज के लिए जीना होगा, आगे आना होगा। जो भी हमारे साथ घटनाएं हो रही हैं उनको रोकथाम के लिए एक होना पड़ेगा, एक मंच पर आना पड़ेगा। तो पूरी राजस्थान ने जो निर्णय लिया है वैसा ही आप भी अपने क्षेत्र में जाइए, सैनिकों से मिलिए, पंचायत करिए, महापंचायत करिए, और यदि जब सरकार नहीं सुनेगी तो पिछले साल की तरह जयपुर की धरा पे एक बड़ा आंदोलन करेंगे, तब जाके सरकार जो झुकना पड़ेगा, क्योंकि किरोड़ी भैंसला साहब ने, अकेले आदमी ने संघर्ष स्टार्ट किया था और धीरे धीरे कारवा बनता गया। तो आप सब लोग भी अपने अपने क्षेत्र के किरोड़ी लाल भैंसला साहब बन जाइए। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।